गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम टू एन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आप सभी को रेडी होंगे आई होप कि ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल को सीखने के लिए, क्योंकि रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों को सॉल्व करना था अबाउट द ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो आप सभी लोग रेडी हैं यहाँ पे। तो गुड इवनिंग प्रिंस, गुड इवनिंग अनिर्बान, गुड इवनिंग प्रीति, रश्मि एंड रामा कृष्णा, अभिषेक पॉल, गुड इवनिंग। एंड आई होप द सिद्धार्थ इज ऑल्सो देयर। एंड और कौन है अपने यहाँ? ठीक है, सोनाली एंड चलो आलोक, यस आलोक इज ऑल्सो देयर। तो फटाफट एक बार ना सभी जगह शेयर कर दो कि सर लाइव आ चुके हैं, तो फिर बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे, तो फिर हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर पाएंगे। तो एक बार फटाफट मैंने अपने साइड से शेयर कर दिया, आप लोग भी सभी लोग शेयर कर दो। यस, तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो दिस इज साकेत वर्मा एंड आई हैव डन एमटेक फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी इन द ईयर 2010 इन सिग्नल प्रोसेसिंग, एंड आई हैव ऑल्सो क्रैक्ड डिफरेंट PSU एग्जाम्स, आउट ऑफ विच द एग्जाम इन विच आई हैव क्रैक्ड द इंटरव्यू ऑल्सो इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया DRDO एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। एंड आई एम हैविंग मोर देन 11 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, है ना। और इस 11 साल में मैं जो टीचिंग किया हूँ उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है जो अंडर 100 रैंक, अंडर 50 रैंक भी ला चुके हैं। ठीक है, अब ये 10-11 सालों में जो मैंने टीचिंग किया है उसमें मैंने कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया है, तो वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो है कम्युनिकेशन सिस्टम और EMFT और एडवांस कम्युनिकेशन, क्योंकि ये कम्युनिकेशन मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। तो एडवांस कम्युनिकेशन जैसे माइक्रोवेव, सैटेलाइट, ऑप्टिकल और मोबाइल कम्युनिकेशन वाले जो पार्ट हैं वो भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अनअकैडमी प्लस में जुड़ते हैं, और अनअकैडमी प्लस में क्योंकि ESE 2022 का जो डेट है वो फरवरी है, तो अनअकैडमी प्लस आपको एक ऐसा मूव देने वाला है जो आप गेट और ESE का साइमल्टेनियस प्रिपरेशन कर सकते हो। सो साकेत 10 कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो यू विल गेट द 10% डिस्काउंट, एज वेल एज यू विल ऑल्सो गेट माई मेंटोरशिप इन द पर्सनल वे। ठीक है, तो पर्सनली मैं आपको पूरा प्रॉपरली गाइड करूँगा, एक एक चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आपको अपने करियर के लिए एक पाथ चूज करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। और जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो क्या क्या चीज़ों को आपको माइंड में रखना चाहिए, आपका एक प्रॉपर माइंडसेट क्या होना चाहिए, एक टॉपर की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को मैं आपको पर्सनल लेवल पर डिस्कस करता हूँ। जो भी लोग मेरे से कनेक्टेड हैं इस कोर्ट के थ्रू वो लोग जानते हैं कि हर एक छोटी छोटी चीज़ की क्वेरी वो लोग मुझे करते हैं और मैं उनको प्रॉपरली रिप्लाई करके आंसर देता हूँ। यस, गुड इवनिंग रुचिका। ठीक है, एंड अगर आप प्लस में जुड़ते हो तो आपको और क्या क्या चीज़ें मिलती है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे लाइव क्लासेस, आपको मिलेगा रैंक इंप्रूवमेंट बैच एंड क्रैश कोर्स। तो ये तीन अलग अलग बैचेस आपको मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच। ठीक है, इन तीनों के अलावा आपका इंग्लिश और हिंदी में आपको क्लासेस मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग आपके सेशंस होंगे, वीकली टेस्ट होगा आपका। और इसके अलावा अगर हम आते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यहाँ पे जाओगे तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस के बेनिफिट के अलावा एक पर्सनल कोच मिलेगा और साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल आपका एक स्पेशलाइज्ड नोट्स होता है, और पर्सनल कोच आपका स्टडी को प्लान करेगा, टेस्ट को एनालाइज करके देगा, और जो भी वीक आपके टॉपिक्स होंगे उसके लिए एक सेपरेट सेशन लगाया जाएगा टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। ठीक है, तो साकेत 10 कोड आप यूज़ करो, 1 ईयर, 1.5 ईयर और 2 ईयर का आपको कोर्स मिल जाएगा। और बहुत ही जल्दी आप सभी के लिए मैं बता दूं कि बहुत ही जल्दी एक नया कोर्स मैं लॉन्च करने वाला हूं जिसमें कम्युनिकेशन और EMFT दोनों को मैं कवर करूंगा। दैट इज गोइंग टू बी अ रैंक बूस्टर बैच, है ना। तो रैंक बूस्टर बैच मैं लॉन्च करने वाला हूं प्लस पे, और जिसमें मैं EMFT और कम्युनिकेशन को पूरा शॉर्ट टर्म वे में कवर करूंगा फॉर गेट 2022। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी आप लोगों को एक सेपरेट कोर्स मिल जाएगा, तो आप लोग 3 महीने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन एंड EMFT by me। और उसके अलावा भी आपको बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स सीखने को मिलेंगे, तो ये वाला चीज आप लोग कर सकते हैं, है ना। तो ये 3 मंथ 6 मंथ और 1.5 ईयर, मतलब 3 मंथ, 1.5 ईयर, 1 ईयर, 1.5 ईयर और 2 ईयर का आपको आइकॉनिक का प्राइस है। ठीक है, तो इसमें भी आपको कोड लगाना है सेम साकेत 10। और यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप साकेत 10 कोड यूज करके अनअकैडमी कॉम्बैट में एनरोल करते हो, ठीक है,
15 अगस्त यानी टुमारो इंडिपेंडेंस डे के दिन आपका सुबह 8 बजे 11 बजे आपका एक कॉम्बैट होगा। उस कॉम्बैट में आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उस 20 क्वेश्चन में आपको बेनिफिट बहुत सारे मिलने वाले हैं। कि क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो जो 20 क्वेश्चन है जब आप अगर सॉल्व करोगे और अगर आपका रैंक अंडर 100 रैंक आया है ना, तो वो रैंक अगर अंडर 100 होगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा, डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये तो आपका एनरोलमेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट का कोड है, लेकिन जैसे ही आप इस कोड को देख के स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो और अंडर 100 रैंक लेके आते हो तो आपको मोर देन 10% का डिस्काउंट मिलता है। एक्सलरेट बैच और आरोहण बैच, ये आपका एक रैंक इम्प्रूवमेंट बैच है, ठीक है, ये एक रैंक इम्प्रूवमेंट बैच है और एक आरोहण बैच है। तो ये रैंक इंप्रूवमेंट बैच और आरोहण बैच पे आप जा सकते हो। अगर आप गेट 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या ESE 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एक्सेलरेट बैच में जा सकते हो, और अगर आप गेट 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप आरोहण बैच में जा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों हैं। EMFT आपका स्टार्ट हुआ है 11 अगस्त से बाय विशाल सोनी सर। तो इस पर्टिकुलर बैच में एनरोल करने के लिए, जो कि एक बैच बी है और एक्सेलरेट बैच का बैच बी है, 11 अगस्त को स्टार्ट हुआ है और ये आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पेशल क्लास में। तो आपको मालूम है स्पेशल क्लास में आपको इंट्रैक्शन मिलता है बेटर, आपको हर क्लास का PDF दिया जाता है, हर क्लास के पहले नोटिफिकेशन दिया जाता है और पोल्स क्रिएट करने का ऑप्शन है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर मैं पूछूंगा तो उसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको पोल क्रिएट करके दूंगा, जिसमें आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कितने फास्ट और कितने एक्यूरेट एमंग योर फ्रेंड्स आंसर कर पा रहे हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगता है तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया है, उसको फिल करके बता देना, तो हम लोग उसको करेक्ट कर लेंगे, ओके। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को ये सॉल्व करना था, तो सॉल्व दिस क्वेश्चन। आलोक, शॉर्टलिस्टिंग वही जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप शॉर्ट सुने थे तो उसमें मैंने बोला था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्टिंग होगा। कई लोग डेट ऑफ बर्थ गलत फिल कर देते हैं, कई लोग अपना कुछ डिटेल गलत फिल कर देते हैं, ठीक है, नाम की जगह कुछ और फिल कर देंगे, है ना, कुछ कॉलेज की जगह कुछ यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर देते हैं, कुछ मतलब रैंडम जो मिस्टेक्स होते हैं, बहुत सारे लोग से एकदम सिली मिस्टेक हो जाता है फॉर्म फिलअप करते समय, तो वो सारे चीज़ को उन लोग रिमूव करते हुए कुछ पर्टिकुलर लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, है ना। मतलब बहुत कम लोग हैं जो बोलना चाहिए कि रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम देना तो सभी को मतलब मौका मिलता है ना, तो थोड़ी बहुत जो मिस्टेक होती है, जो मेजर मिस्टेक्स हैं उसको हटा के और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उसको हटा के उन लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं, वो चीज़ मैं वहाँ पर बोला था। गुड इवनिंग सिंगू मधुन मेधुन, क्या नाम है, मेधुन है। बहुत सारे डिफरेंट नेम मिलते हैं जब अपन YouTube वगैरह में क्लास हम लोग लेते हैं, कहीं पे भी लोगों से मिलोगे कुछ डिफरेंट नेम, यूनिक नेम। हेलो रजनीश, गुड इवनिंग। नहीं, CGPA का तो सिंपल जो उन लोगों ने कंडीशन दिया हुआ था कि 60% या 6.5 अगर वो इस टाइप का कुछ कंडीशन था तो वही चीज़ आपको यहाँ पे होगा। गुड इवनिंग सत्यम, गुड इवनिंग मंतशा।
कल हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था इस टाइप का, तो अब आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो फटाफट सॉल्व करके बताओ। फटाफट सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। गुड इवनिंग अमन, रामकृष्ण, अल्फा की वैल्यू 2 आ रही है, सो नो नॉट करेक्ट। चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, देखो कोरिलेशन निकालना है आर एक्स वाई, ठीक है, आर एक्स वाई की वैल्यू होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स वाई एंड एफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। और हमको मालूम है कि ये डेंसिटी फंक्शन को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो एक्स, ये प्रोबेबिलिटी एज इट इज रहेगा 0.5x, एक्स की जगह पे आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस अल्फा, ठीक है, वाई की जगह पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे प्लस 0.3, इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स की जगह आ जाएगा अल्फा और वाई की जगह आ जाएगा 2, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे आ जाएंगे 0.1, एक्स की जगह आ गया अल्फा, वाई की जगह भी आ गया अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर हो गया, प्लस 0.2, एक्स की जगह पे आ जाएगा 1, इम्पल्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू 1 पे मिलेगी, y इक्वल टू 1 पे, तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ गया 1 इंटू 1, ठीक है, ये है हमारा आर एक्स वाई। तो ये आर एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, आर एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 0.8 अल्फा, यहाँ से आ जाएगा 0.6, तो मतलब आ गया 0.2 माइनस ऑफ 0.2 अल्फा, यहाँ से आ जाएगा प्लस 0.1 अल्फा स्क्वायर, सो प्लस 0.1 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 0.2, ठीक है, ये हमारे पास कोरिलेशन आ गया। अब हमको क्या बोला है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ एनी दैट मिनिमाइजेस द कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, सो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई की मिनिमम वैल्यू हमको कैलकुलेट करके मिलेगी, अल्फा की वो वैल्यू जहां पे इसका कोरिलेशन का वैल्यू हमको मिनिमम मिलेगा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसको कर लो डिफरेंशिएट, ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, सो डी आर एक्स वाई डिवाइडेड बाय डी अल्फा इज इक्वल टू, इसको आप लिख लोगे तो ये आ गया माइनस 0.2 प्लस 0.2 अल्फा, और ये तो हो गया 0, और इसको किसके इक्वल करना पड़ेगा 0 के, तो यहाँ से हमको वैल्यू कितनी मिल रही है अल्फा की 1, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 1 मिल रही है, यस आलोक करेक्ट, अल्फा 1, रामकृष्णा बिल्कुल ठीक है। और ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू देगा कि नहीं इसको चेक करने के लिए हम लोग इसको डबल डिफरेंशिएट कर देंगे और चेक करेंगे वेदर इट इज ए ग्रेटर देन 0 और नॉट, है ना, तो डबल डिफरेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू आ रही है 0.2, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि अल्फा की जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू हमको देगा, है ना,
तो ये डी स्क्वायर आर एक्स वाई डिवाइडेड बाई डी अल्फा ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब अल्फा की ये वैल्यू हमको मिनिमम वैल्यू देगी। तो वो अगर बोल रहा है कि अगर मिनिमम वैल्यू देगा तो कैलकुलेट द मिनिमम कोरिलेशन, देन फाइंड द मिनिमम कोरिलेशन। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन कितना आ जाएगा, आर एक्स वाई की मिनिमम वैल्यू माइनस 0.2 प्लस 0.1, अल्फा की वैल्यू आपने क्या पुट किया 1 प्लस 0.2, तो ये मिनिमम वैल्यू आ रही है 0.1, ये है आर एक्स वाई की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये आर एक्स वाई की मिनिमम वैल्यू 0.1, बिल्कुल ठीक कोरिलेशन यहां तक आ गया, 0.1 हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ओके, नाउ मुझे बताओ कि ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, आर एक्स एंड वाई ऑर्थोगोनल, आर एक्स एंड वाई ऑर्थोगोनल, ठीक है, नॉट ऑर्थोगोनल बिकॉज सो एक्स एंड वाई आर नॉट ऑर्थोगोनल बिकॉज आर एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, आर एक्स वाई की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.1, हमको पता है कि आर एक्स वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, है ना, आर एक्स वाई की वैल्यू जीरो होगी तब हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल। यस अभिषेक, प्रिंस, आलोक, सभी को क्लियर है, रुचिका फाइन, अनिर्बन, रजनीश ठीक। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व करोगे पूरा, अब मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ये पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ऑलमोस्ट ए सेम क्वेश्चन, फटाफट इसको सॉल्व कर लो पूरा, लास्ट तक कैलकुलेट करने के बाद आंसर बता देना। यस, मंडे भी क्लास है, मंडे को क्या चीज़ है, मंडे ऐसा कुछ स्पेशल जो क्लास नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है। देखो आप लोग के लिए इतना शानदार, अचानक से बीच में एक क्लिप आ गया था, ये हमारी जिद है, तो ये आपकी जिद है कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, वो मैं लैपटॉप पे कुछ कर रहा था और गलती से वो क्लिप स्टार्ट हो गया, और देखो लकीली वो क्लिप का जो स्टेटमेंट आया वो बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए मैच करता है। ठीक है, ये आपके जिद है कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए। नहीं वेदांश, एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि ये वाली क्लास आज इसलिए हुई है क्योंकि आगे चल के जो 22nd होगा 24th होगा उस दिन, उस समय मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, इस वजह से वो क्लास को मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए।
चलो कम ऑन बताओ, काफ़ी टाइम हो गया, इतने देर में तो आ जाना चाहिए। अल्फ़ा की वैल्यू 3.33 इज़ इनकरेक्ट। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3.33 और 0.33 और बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, आप लोगों का वैल्यू सही नहीं आया है। और कोई? रुचिका, सिद्धार्थ, अभिषेक, अनिर्बन, आलोक और रामाकृष्णा, वेदांश, प्रिंस, चलो फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, है ना। तो देखो, जैसे कि हमको कोवेरियंस की मिनिमम वैल्यू पूछा है, इससे पहले हम लोग कोरिलेशन निकाले थे, इस बार हमको कोवेरियंस की मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो कोवेरियंस क्या होता है? तो सी एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स वाई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक तो कोरिलेशन और दूसरा दोनों की मीन वैल्यू। ये दो वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये देखो, ये है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। पहले हम लोग आर एक्स वाई निकाल लेते हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन पे निकाला था। तो आर एक्स वाई की वैल्यू सेम फॉर्मूले से लगा देंगे, डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना। फॉर्मूला पिछला वाला क्वेश्चन आप देख लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो 0.3 इंटू अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0.5 माइनस अल्फा इंटू 4, ठीक है, प्लस 0.2 माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू माइनस 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 0.3 अल्फा स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा, माइनस यहाँ से आ जाएगा प्लस 0.8, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारा आर एक्स वाई आया है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्स बार, तो मीन वैल्यू कितना आएगा। तो मीन वैल्यू के लिए सिर्फ एक्स का यूज़ करना है हमको, तो 0.3 इंटू अल्फा, यहाँ से हमको एक्स का यूज़ करेंगे तो प्लस 0.5 इंटू माइनस अल्फा, ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे प्लस 0.2 इंटू माइनस 2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मीन की 0.3 और यहाँ से आ गया 0.5 अल्फा, तो हो गया माइनस 0.2 अल्फा प्लस 0.4, सॉरी माइनस ही आएगा ये भी, माइनस 0.4, ठीक है, यही आ रहा है। अब आ जाओ आप y बार में, तो y बार की वैल्यू, अब यहाँ पे y का यूज़ करो, तो 0.3 इंटू अल्फा, ये एज इट इज़, 0.5 इंटू 4, है ना, और यहाँ से माइनस 0.4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6, तो 0.3 अल्फा प्लस 1.6, ठीक है, ये आ गया 0.3 अल्फा प्लस 1.6। अब ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन सी एक्स वाई। सो इट इज इक्वल टू 0.3 अल्फा स्क्वायर प्लस
माइनस, ठीक है इसको सॉल्व करो तो एक मिनट, मे बी इट इज एन इंपॉर्टेंट ठीक है। तो यहां से देखो 0.3 अल्फा स्क्वायर ये हो गया माइनस 2 अल्फा प्लस 0.8 माइनस ऑफ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है माइनस कॉमन निकाल के इसको प्लस कर देता हूं और 0.2 अल्फा प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड विद 0.3 अल्फा प्लस 1.6 इसको सॉल्व करो ये कितना आ रहा है सी एक्स वाई, ठीक है सी एक्स वाई बताओ कितना आ रहा है 3.33 आ रहा है, नहीं 3.33 नहीं आ रहा है, आप लोग देखो इसमें क्या क्या डिफरेंस आया मेरे और आपके आंसर्स में। आप चेक करो इसमें क्या डिफरेंस आया, चेक करो और बताओ कि क्या डिफरेंस आया आपके आंसर्स में और मेरे आंसर में कहां पर डिफरेंस दिख रहा है। गुड इवनिंग सोमनाथ, सो बताओ, हाँ सभी लोग कोरिलेशन निकाले हो, 2.1 इज ऑल्सो इनकरेक्ट, हाँ 2.17 इज करेक्ट, बताओ ये वाला वैल्यू सही आया सबका। देखो ये कोरिलेशन है और यहाँ क्वेश्चन में आपको कोवेरियंस पूछा था, क्वेश्चन ठीक से पढ़े थे, कोवेरियंस की मिनिमम वैल्यू पूछी थी कोरिलेशन की नहीं। ठीक है तो यहां तक सभी का आ गया है, तो फिर यहां पे अब हम लोग डी सी एक्स वाई डिवाइडेड बाय डी अल्फा करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो, सो यहां से हमारे पास आ जाएगा 0.72 ठीक है माइनस 1.56 ये 0.72 अल्फा और यहां से हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो आएगी 1.56 डिवाइडेड बाय 0.72 ये आ रहा है 2.16 ठीक है 2.16 अल्फा की ये वैल्यू आ रही है ठीक है। अब इसका चेक करना पड़ेगा डबल डिफरेंशिएशन, सो डी स्क्वायर सी एक्स वाई डिवाइडेड बाय डी अल्फा, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करो तो फिर से अगर हम लोग करेंगे तो 0.72 आ गया विच इज अगेन ग्रेटर देन जीरो, सो ये हमको क्या देगा मिनिमम वैल्यू ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू बिल्कुल देगा ये फॉर अल्फा इक्वल टू, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे फॉर अल्फा इक्वल टू सी एक्स वाई इज मिनिमम अल्फा इक्वल टू 2.16, तो 0.36 2.16 का स्क्वायर माइनस 1.56 2.16 प्लस 1.44 और ये वाला वैल्यू आ गया
माइनस 0.25, ठीक है, बताओ यहां तक ठीक है। सही है कि नहीं बताओ। और क्या पूछा था इसमें, अनकोरिलेटेड है कि नहीं है बताओ, अनकोरिलेटेड है कि नहीं है, अनकोरिलेटेड है कि नहीं है, आपको क्वेश्चन में पूछा था कि अनकोरिलेटेड है कि नहीं है बताना है। ये देखो ठीक है, तो देखो यहां पे सी एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो नॉट अनकोरिलेटेड। नॉट अनकोरिलेटेड, यस रामकृष्ण, कोरिलेटेड। हाँ सी एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है बिकॉज सी एक्स वाई इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट करता है आर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स बार वाई बार, जो कि हमारा कंडीशन होता है इंडिपेंडेंट या अनकोरिलेटेड का। तो यहां पे अनकोरिलेटेड है कि नहीं पूछा है, तो ये आ जाएगा नॉट अनकोरिलेटेड। ठीक है चलो ये बन गया। चलो यार क्वेश्चन सॉल्व करो, हम सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो देखिए आप इसका आंसर निकालते हो कि नहीं प्रॉपरली। मीन 11.5, मीन इज 11.5, ठीक है मीन करेक्ट है। ठीक है तो मीन वैल्यू ऑफ वाई निकालना था, तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई मतलब कितना, एक्स वन माइनस टू इंटू एक्स टू प्लस थ्री इंटू एक्स थ्री। सो इट इज एक्स वन बार माइनस टू इंटू एक्स टू बार प्लस थ्री इंटू एक्स थ्री बार। ठीक है यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे और ये वैल्यू एक्स वन की है वन, सो वन माइनस यहाँ से आ जाएगा माइनस सिक्स है ना, और ये प्लस हो गया तो सिक्स प्लस वन सेवन, और यहाँ से 4.5 मतलब 11.5। ठीक है तो 11.5 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले आप निकालोगे मीन स्क्वायर वैल्यू। सो मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर
एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ लिख देता हूँ एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री इसका होल स्क्वायर, दिस इज योर वाई स्क्वायर। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यहाँ पे अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी टू बी सी टू सी ए निकाल लो तो ये आ गया एक्स वन स्क्वायर प्लस फोर इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टू स्क्वायर प्लस नाइन इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स थ्री स्क्वायर प्लस ठीक है टू इंटू टू फोर माइनस में आएगा माइनस फोर आर एक्स वन एक्स टू ठीक है बताते जाना माइनस सिक्स आर एक्स टू एक्स थ्री प्लस थ्री आर एक्स वन एक्स थ्री बताओ 20.75 बिल्कुल ठीक है रामकृष्णा का करेक्ट आंसर आया है। अब आप देख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फिर माइनस टू ए बी करना था फिर अच्छा यहाँ पे टू का मल्टीप्लिकेशन छूट गया है तो शायद इन दोनों में छूट गया हाँ टू ए बी किया तो टू इंटू टू फोर कर दिया ठीक है फिर टू बी सी करेंगे तो थ्री इंटू सिक्स इंटू टू टू ट्वेल्व आएगा और यहाँ पे सिक्स आएगा ठीक है। ऑल दो उसका फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि देखते हैं क्यों नहीं पड़ेगा क्योंकि कोरिलेशन आपको दिया हुआ है एक्स टू और एक्स थ्री का और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि थ्री अनकोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तो ये तीनों के तीनों जो रैंडम वेरिएबल हैं ये क्या है अनकोरिलेटेड है और अनकोरिलेटेड जब होता है तो क्या होता है अनकोरिलेटेड का मतलब है कि आर एक्स वाई की वैल्यू जीरो सॉरी आर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स बार वाई बार कोवेरियंस जीरो लिखना था ठीक है आर एक्स वाई यानी एक्स बार वाई बार मतलब इसके मीन को मल्टीप्लाई करना है तो फिर यहां से हमारे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वन स्क्वायर मतलब 2.5 ठीक है ये मीन स्क्वायर वैल्यू हमको दिया हुआ है एक्स टू का हो गया 4 इंटू 11 फिर एक्स टू ये एक्स थ्री होगा ऑब्वियसली एक्स थ्री का हो गया 9 इंटू 3.5 ठीक है 9 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू एक्स वन बार एक्स टू बार एक्स वन बार एक्स टू बार माइनस थ्री तो यहाँ लिख देता हूँ 1 इंटू माइनस थ्री माइनस 12 एक्स टू और एक्स थ्री एक्स टू है माइनस थ्री एक्स थ्री है 1.5 तो ये आ गया और प्लस 6 इंटू एक्स वन एक्स थ्री मतलब 1 इंटू 1.5 सो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वाई ठीक है बहुत ऑब्वियस है सिद्धार्थ की अगर ये एक्स वन लिखा है या एक्स टू लिखा है तो यही एक्स थ्री होगा सीक्वेंस में लिखा हुआ है यहाँ पे कोई मतलब ऐसा वो नहीं है आप आराम से समझ सकते हो ठीक है गुड इवनिंग ऋषिका हाँ तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर की बताओगे क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर ये वैल्यू पूरा सॉल्व करने पर कितना आ रहा है वन फिफ्टी थ्री आ रहा है 35 नहीं 153 ठीक है ये 153 आएगा और फिर अब वेरिएंस का फॉर्मूला लगा देंगे सो वेरिएंस इज सिग्मा वाई स्क्वायर इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का होल स्क्वायर ठीक है ये आएगा 153 माइनस 11.5 का स्क्वायर और वहां से हमारा आंसर आएगा
ठीक है, तो ये पहला आंसर है आपके पास 11.5 और ये सेकंड आंसर है 20.75। ठीक है, गुड इवनिंग साहितेजा। ठीक, 20.75 ये आगे सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू राजीव डियर, थैंक यू सो मच। ठीक है, यहाँ पे राजीव बोल रहे हैं कि यू आर प्रोवाइडिंग द फ्री कंटेंट विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग सर, आपका कंटेंट बहुत हेल्प कर रहा है मुझे सेल्फ स्टडी करने में, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो यार देखो, मैं हम लोग बोले ना कि अनअकैडमी में हम लोग पूरा फ्री रिवॉल्यूशन लेके आए हैं। ठीक है, पूरे फ्री एजुकेशन का रिवॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कितने अच्छे से आपको कंटेंट मिल रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इतना कराया जा रहा है जितना आपको शायद पेड क्लास में भी नहीं कराया जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो डिफरेंस, है ना। और अभी हम लोग सिर्फ नॉन गेट क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर हम लोग ये सारे क्वेश्चंस के कलेक्शन को ले लें, फिर आप टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस देख लो, आप अनअकैडमी कॉम्बैट देख लो, फिर वहां से आपको इतने सारे क्वेश्चंस के कलेक्शन मिल जाएंगे कि आप इसको सॉल्व करते जाओगे, बट आपका मतलब कोर्स जो है वो बोलना चाहिए कि ख़त्म नहीं होगा, है ना, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस मैं करवा सकता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए ये फ्री कंटेंट, आप लोग इसको वैल्यू इसलिए करो क्योंकि ऐसा कंटेंट और इतने सारे क्वेश्चंस आपको फ्री में कोई नहीं कराएगा। आप देख सकते हो कि EMFT के भी मैं ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस नॉन गेट ओनली यूट्यूब में क्रिएट्रिक्स चैनल में करवा चुका हूँ, अलॉन्ग विथ माई कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स इन द क्रिएट्रिक्स चैनल इन द लक्ष्य बैच। ठीक है, तो ये सब चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे तो कोर सब्जेक्ट्स के आपका जो डर है क्रिएट्रिक्स में आपको मिल जाएगा, जो EMFT और कम्युनिकेशन का जो डर है वो आपका बिल्कुल भी हट जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग आशुतोष। तो रामकृष्ण बोल रहे हैं 3, सो द वैल्यू ऑफ ए यू आर कैलकुलेटिंग इज 3, सो फाइंड ए वैल्यू फॉर द पैरामीटर ए दैट मिनिमाइजेज द मीन वैल्यू ऑफ W। ठीक है, ए की वैल्यू 3 आएगी, बिल्कुल ठीक है प्रिंस एंड आलोक, 3 and 108, बिल्कुल ठीक। सो रामकृष्ण, आलोक एंड प्रिंस, सिद्धार्थ, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द राइट आंसर।
ठीक है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ फ्री कंटेंट है, तो आप सोच लो कि पेड कंटेंट का जो लेवल होगा वो क्या होगा, ठीक है। सो पेड कंटेंट विल बी द इन द नेक्स्ट लेवल, है ना। जो आपका फ्री कंटेंट है दैट इज एब्सोल्युटली फाइन टू क्लियर द एनी एग्जाम, बट द पेड कंटेंट विल बी मच मच बेटर देन द फ्री कंटेंट। ऑब्वियसली देयर विल बी अ स्मॉल, not small, there will be some big difference between the free content and the paid content. So yes, Mantasha, A equal to 3 आ गया, ठीक है। तो यहां से आप लोगों का सॉल्व हो चुका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए दैट मिनिमाइजेस द मीन वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। सो मीन वैल्यू ऑफ डब्ल्यू निकालना है, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डब्ल्यू आप कैलकुलेट करोगे। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डब्ल्यू यहां पे आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 ए इंटू एक्स वाई प्लस 9 इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। यही आया, ठीक। नाउ यू विल राइट ए स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 6 ए इज अ कॉन्स्टेंट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, क्या यही आएगा क्या? नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, इसमें कोरिलेशन दिया हुआ है तो ठीक है, निकल जाएगा। इंडिपेंडेंट वगैरह कुछ नहीं दिया है। तो यहां पे हम लिख लेंगे आर एक्स वाई, है ना, और प्लस 9 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर। चलो तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर होगा। और क्योंकि मीन जीरो है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इसका मीन जीरो है, जीरो मीन मतलब वेरिएंस ही हो जाएगा उसका मीन स्क्वायर वैल्यू, तो वेरिएंस हो गया 4। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर कितना होगा, तो ये भी सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर लिखोगे, बट वो होगा किसके इक्वल? सिग्मा वाई स्क्वायर मतलब 16 के। तो ये दोनों चीजें आपकी निकल गई, या बच गया आर एक्स वाई। तो हम लोग निकालेंगे सी एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार, एक्स बार और वाई बार जीरो है, तो आर एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर एक्स वाई इज इक्वल टू सी एक्स वाई। तो आर एक्स वाई की वैल्यू हम लोग यहां से सी एक्स वाई के इक्वल निकालेंगे। अब सी एक्स वाई कितना होगा? तो सी एक्स वाई हो जाएगा सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई इंटू रो इंटू एक्स वाई, ठीक है। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है? यहाँ से आ गया रूट 4। सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट 16। आर एक्स वाई की वैल्यू, रो एक्स वाई की वैल्यू है माइनस 0.5। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 4 इंटू 2 और 4, माइनस 4 वैल्यू मिल गई सी एक्स वाई की। तो सी एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स वाई है, तो यहाँ से माइनस 4 आ गया। अब सारी वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ w कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब हो गया 4 एंड प्लस 6a इंटू माइनस 4 प्लस 9 इंटू 16। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है? ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 24a प्लस 144, ठीक है। यहाँ तक आ गया क्या सभी का? यहाँ तक वैल्यू सही है? 4a स्क्वायर माइनस 24, 4a स्क्वायर, अच्छा 4 छूट गया है, 4a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 144। अब इसकी मिनिमम वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू जीरो कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका डी डब्ल्यू बार डिवाइडेड बाय डी ए कर लेते हैं, तो 8a माइनस 24 इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू है कि नहीं, तो डबल डिफरेंशिएट करके देख लो आप। तो डी डब्ल्यू बार d स्क्वायर w बार डिवाइडेड बाय d a स्क्वायर इज इक्वल टू 8, विच इज ग्रेटर देन 0, सॉरी 8 आएगा, हाँ 8, विच इज ग्रेटर देन 0, सो इट इज गिविंग ए मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू हमको मिल जाएगा, वो मिनिमम वैल्यू कितनी है तो वो हमको सेकेंड पार्ट में निकालना है। तो ये हमारा पार्ट ए हो गया, और पार्ट बी जो है इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा w बार की वैल्यू मिनिमम, ठीक है, ये हो गया 4 इंटू ए की वैल्यू 3 आई है, 3 स्क्वायर माइनस 24 इंटू 3 प्लस 144। इसको सॉल्व करने पे आप जैसा बता रहे हो कि 108 आएगा, ठीक है। तो ये 108 आ गया, करेक्ट है।
यस, गुड इवनिंग संकेत। चलो नेक्स्ट, सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, देखते हैं कि आप लोग बना पाते हो कि नहीं। फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ जेड, एटलीस्ट जेड तो आना ही चाहिए, फर्स्ट तो आना ही चाहिए। वन आ रहा है, सो रामकृष्णा इज सेइंग कि आंसर वन है, देखते हैं। और कोई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई इज नॉट वन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई इज नॉट वन, ठीक है। देखो सॉरी, एक्सपेक्टेड वैल्यू जेड ना, तो यहाँ पे दो रैंडम वेरिएबल है। देखो ये कॉम्प्लेक्स रैंडम वेरिएबल है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्स दिया भी हुआ है तो उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कि आपको पहले सिंपल जो लिखना है वो क्या है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड मुझे निकालना है। तो आप जानते हो कि अगर मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड निकालना है तो हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, और जेड की जो भी वैल्यू उसको एज इट इज लिख दो। बस यहाँ पे आ गया कॉस एक्स प्लस जे साइन वाई। अब इसको आप कैसे लिखोगे, तो ये आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस जे इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ साइन एक्स। अब मुझे बताओ कि कॉस एक्स या साइन एक्स, अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहा हूं इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहा हूं तो इसका मीनिंग क्या है ये बताओ जल्दी से। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है? ठीक है, भैया एक्स और वाई दोनों का यही है, तो वन अपॉन टू पाई आएगा यहाँ पे। ये एक्स का है मान लो, और वाई का भी ऐसे ही बनेगा, एक्स और वाई दोनों का यही है ऐसा। ठीक है, एक्स और वाई दोनों का आइडेंटिकल है, तो एक्स लिखो चाहे वाई लिखो, साइन वाई होगा, साइन वाई। अच्छा हाँ, साइन वाई।
ठीक है। देखो जब हम लोग मीन वैल्यू निकालते हैं इसका मतलब होता है कि उसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है ना। मीन वैल्यू का मतलब होता है एवरेज वैल्यू, ठीक है। मीन वैल्यू का मतलब होता है एवरेज वैल्यू, और आपको किसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है, कॉस का। मुझे बताओ कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डिफाइन है ना ये जो रैंडम वेरिएबल एक्स है, ये पूरे कंप्लीट टाइम पीरियड में डिफाइन है माइनस पाई से पाई तक। तो साइन और कॉस का एवरेज वैल्यू कितना होता है, साइन और कॉस का एवरेज वैल्यू कितना होता है? यस मीन जीरो है ना। तो देखो मैं एक का कैलकुलेट करके दिखा देता हूं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, अगर आपको मैं कॉस एक्स निकालने बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारे पास यहां पे दो रैंडम वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, तो ये हो जाएगा माइनस पाई से लेके पाई तक, देन अगेन माइनस पाई से लेके पाई तक, दो रैंडम वेरिएबल है तो डबल इंटीग्रेशन, और कॉस एक्स लिखा हुआ है तो फिर यहां पे कॉस एक्स, ठीक है। और इसके बाद एफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई है ना। और कॉस एक्स की वैल्यू जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये होता है एफ एक्स वाई की वैल्यू 1/2π का होल स्क्वायर आएगा, तो 1/2π का होल स्क्वायर बाहर आ गया, और माइनस पाई से लेके पाई तक आप एक बार कॉस एक्स डी एक्स कर लोगे, और एक बार माइनस पाई से लेके पाई तक डी वाई कर लोगे। अब मुझे देखो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे माइनस पाई से पाई के बीच में माइनस साइन एक्स लिखोगे और उसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, ठीक है। तो यहाँ से आ गया वैल्यू जीरो, सॉरी प्लस साइन एक्स लिखोगे, नॉट माइनस साइन एक्स, ठीक है। ऐसा आएगा साइन एक्स, यहाँ पे लिख लोगे माइनस पाई से लेके पाई तक, तो ये साइन पाई माइनस ऑफ साइन माइनस पाई, तो प्लस हो जा रहा है। एक मिनट में क्या किया, ठीक है। ठीक, तो ये वाला वैल्यू जब जीरो हो गया तो यहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, यहां पे ये वाला वैल्यू जीरो, ये वाला वैल्यू जीरो, तो यहां पे रिजल्ट कितना आ गया, जीरो, ठीक है। तो कॉस एक्स हो चाहे साइन एक्स हो है ना, इसका जो मीन वैल्यू है ओवर द टाइम पीरियड जीरो होगा, तो ओवर द टाइम पीरियड जब ये जीरो हो जाएगा तो यहां पे आपका ओवरऑल मीन भी जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट आप कैलकुलेट करो वेरियंस, तो वेरियंस जो आएगा वो मीन स्क्वायर वैल्यू के इक्वल होगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास सिग्मा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वैल्यू, मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस मीन का होल स्क्वायर। अब मीन की वैल्यू तो जीरो आ चुकी है, मीन की वैल्यू कितनी आई है, जीरो आई है, तो जो मीन स्क्वायर वैल्यू आएगा वही वेरियंस हो जाएगा। तो बस आपको क्या कैलकुलेट करना है, मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करना है, और वही हमारा आंसर भी हो जाएगा। चलो डायरेक्टली, अच्छा यहाँ पे जरूरत पड़ेगी देखने के लिए, क्या कॉस एक्स प्लस जे साइन वाई, ठीक है। अच्छा करा लेंगे, ठीक है। तो देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉस एक्स प्लस जे साइन वाई इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर करोगे तो यहां से आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। फिर टू ए बी करोगे तो प्लस टू जे एंड साइन एक्स साइन वाई आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ साइन वाई कॉस एक्स ये आएगा, ठीक है। अब बताओ
हाँ, सिंगल रैंडम वेरिएबल जैसा ही है, बिल्कुल। यस, वेरिएंस इज ऑल्सो जीरो, ठीक है, वेरिएंस भी जीरो आ जाएगा, वेरिएंस भी जीरो आएगा क्या? रुको एक सेकेंड ना, वेरिएंस वन आ रहा है, वेरिएंस वन आएगा। वेरिएंस वन कैसे आएगा? लेकिन कॉस स्क्वायर हम लोग कर लिए, हाँ वेरिएंस जीरो आ जाएगा ना। साइन एक्स कॉस वाई इंडिपेंडेंट है क्या? इंडिपेंडेंट दिया था क्या क्वेश्चन में? वेरी इंडिपेंडेंट, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट यहाँ पे दिया हुआ था तो सिंपल हो जाएगा, इंडिपेंडेंट यहाँ पे दिया हुआ था। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वन प्लस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाय टू, और यहाँ से आ गया माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाय टू और प्लस टू जे एंड देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ साइन वाई मल्टीप्लाइड विथ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट का मीन आ जाएगा वन बाय टू और सेकेंड का मीन आ जाएगा, कॉस टू एक्स का मीन भी जीरो ही होगा। फिर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस वन बाय टू और माइनस ये कॉस टू एक्स का मीन भी जीरो ही होगा, और फिर यहाँ पे टू जे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ साइन वाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉस एक्स ये भी जीरो होगा। तो ये भी जीरो हो गया, वन बाई टू माइनस वन बाई टू ये भी जीरो हो गया। तो वेरिएंस और ये मीन स्क्वायर वैल्यू भी जीरो हो गया, तो वेरिएंस भी जीरो होगा, मीन भी जीरो हो गया। ठीक है, देखो एक कॉम्प्लेक्स रैंडम वेरिएबल है जेड और एक्स और वाई का फंक्शन है, मतलब दो रैंडम वेरिएबल का फंक्शन है। तो जब भी कोई भी रैंडम वेरिएबल किसी दूसरे दो रैंडम वेरिएबल का फंक्शन होगा तो वहां पे जॉइंट डेंसिटी फंक्शन यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे रामाकृष्ण आपका जो डाउट है ना वो ये है कि ये जो रैंडम वेरिएबल है जेड, इट इज ए फंक्शन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल, तो जेड जो है वो आपका डेंसिटी फंक्शन जो होगा वहां पे जॉइंट डेंसिटी फंक्शन यूज होगा, बिकॉज जेड इज ए फंक्शन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल। तो जेड अगर आपका जॉइंट रैंडम वेरिएबल है तो इसीलिए हम लोगों ने जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉस एक्स निकाला है तो वहां पे जॉइंट रैंडम वेरिएबल का यूज किया है, ठीक है। एक्चुअली हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये एफ जेड या एफ जेड नहीं एफ एक्स वाई लिखेंगे तो वहां पे एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ वाई भी लिख सकते हैं, वहां से भी 1/2π × 1/2π ही आएगा।
ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, और सेंट्रल लिमिट थ्योरम को हम लोग मंडे को पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो मंडे को होगी सेंट्रल लिमिट थ्योरम की, और वहाँ पे हम स्टडी करेंगे बहुत सारा जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का स्टेटमेंट है उसका यूटिलाइजेशन, गेट के क्वेश्चंस भी उसी दिन हम लोग करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लोग सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे बेस्ड उसी दिन करेंगे। और अपन क्या कर सकते हैं उस दिन, और रैंडम वेरिएबल के और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो वो करेंगे, नहीं तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे बेस्ड जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का ये वाला जो पर्टिकुलर चैप्टर है रैंडम वेरिएबल वो मंडे को फिनिश हो जाना चाहिए, और मंडे के बाद हम लोग यानी कि ट्यूजडे से हम लोग रैंडम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, ऑलरेडी हम लोग का टाइम भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, बाकी फिर नया सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टार्ट करेंगे तो इट विल गो अप टू नेक्स्ट 50 मिनट्स एटलीस्ट, तो फिर वो हम लोगों को जो टाइम है मंडे को यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, सो यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड अनअकैडमी के साइट पे, अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करने के लिए anacademy.com/@saketvarma-7221 ये आपका प्रोफाइल लिंक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली जाके फॉलो बटन आपको एक दिखेगा उसको प्रेस करना और यू कैन फॉलो मी। एंड क्रिएटर्स गेट EE टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से सब्सक्राइब करो। ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग यूज़ करोगे, ठीक है, कोड जो होगा अगर जब भी आपको सब्सक्राइब करना है तो आप पेड के लिए जाओ, फ्री के लिए जाओ, अनअकैडमी पे वो साकेत10 कोड है। और ये टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब करने का एडवांटेज ये है कि आपको PDF मिल जाता है, जो भी एजुकेटर आपके PDF शेयर करते हैं उनके PDF आपको इस ग्रुप में मिलेंगे, और क्लास से पहले क्लास का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द टुडे सेशन, हम लोग मिलते हैं कल, नहीं सॉरी मंडे को, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज कल हमारी कोई क्लास नहीं होगी तो हम लोग मिल नहीं पाएंगे, तो आई एम विशिंग यू ऑल ऑफ यू इन एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो आप सभी लोग सेलिब्रेट करो, एटलीस्ट नेशनल एंथम ज़रूर से बोलना, है ना, और हो सकता है कि हम लोगों की एक टीम मीटिंग हो जिसमें हम लोग यहाँ पे आप लोग के साथ एक पर्टिकुलर मैसेज आप लोगों को कन्वे करें। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन भी अच्छा लगा होगा, तो हम लोगों ने पूरा चीज़ ये समझ लिया रैंडम वेरिएबल का, तो रैंडम वेरिएबल में कोई दिक्कत आई अभी तक आप लोगों को पूरा रैंडम वेरिएबल, क्योंकि हम लोगों का ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल भी हो गया आपका, सिंगल रैंडम वेरिएबल भी हो गया, कोरिलेशन हो गया, कोवेरियंस हो गया, इंडिपेंडेंट क्या होता है, अनकोरिलेटेड क्या होता है, और ऑर्थोगोनल क्या होता है, इस चीज़ को भी हम लोग समझ लिए। साथ में हम लोगों ने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को भी काफ़ी अच्छे से समझ लिया, PDF और CDF की प्रॉपर्टी को कब कैसे अप्लाई करना है इस चीज़ को भी हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम लोग रैंडम प्रोसेस में जब जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, और वहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सारे होने वाले हैं, क्योंकि रैंडम प्रोसेस में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा, और सेम विथ रैंडम वेरिएबल है एंड सेम विथ एनी सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो उतना ही अच्छा आपका प्रैक्टिस होता है, और आप उतना ही बेटर क्वेश्चन से थ्योरी को समझ पाते हो कि एक्चुअली जो आपने पढ़ा है वो उसका एप्लीकेशन कैसे होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, उस क्वेश्चंस के पीछे की स्टोरी क्या होती है। जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो थ्योरी के बाद तब आपको समझ में आता है कि वो एक्चुअल में थ्योरी कैसे फ्रेम किया जाता है जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं मंडे को अगेन, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। गुड नाइट, जय हिंद।